सो हे गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम कुछ इस प्रकार का न्यू वीडियो को बनाने वाले हैं। अगर आप भी इस प्रकार की वीडियो बनाना चाहते हो ना, इस वीडियो को लास्ट जरूर देखना। यार, इस वीडियो को हम लाइट मोशन ऐप की मदद से बनाएंगे। अगर आप लाइट मोशन ऐप को डाउनलोड करना चाहते हो ना, सिंपली आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हो, वहाँ से बिल्कुल भी आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। सो गाइस, इस टाइप की वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले आपको लाइट मोशन ऐप में आ जाना है, ओके। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो यार आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना। सो वीडियो एडिट करने के लिए आपको लाइट मोशन में आना है, प्लस पे क्लिक करके एक प्रोजेक्ट को क्रिएट करना है 916 के साइज में। अब यहाँ पर आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है, मीडिया वाले आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ से अपनी फोल्डर को सिलेक्ट करना है। सो यहाँ पे जो भी फोल्डर में आपका फोटो, अपनी फोल्डर को सिलेक्ट करना है और आपको अपनी फोटो को ऐड करना है। ऊपर थ्री डॉट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया करना है, ओके। फोटो को अच्छे से एडजस्ट कर लेना है एंड उसके बाद आपको ऊपर शेयर वाले आइकन पे क्लिक करना है यहाँ पे एंड करेंट फ्रेम एच पी जी में सिलेक्ट करके इस पोर्ट पर क्लिक कर देना है। सो यहाँ पर आप थोड़ी देर वेट करना, फिर आपके सामने इस प्रकार से ऑप्शन आएगा, आपको ये सेव वाले आइकन पर क्लिक करना है और इस फोटो को सिलेक्ट करके डिलीट कर देना है एंड प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक करना है और नेक्स्ट फोटो को ऐड करना है। ऊपर थ्री डॉट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया करना है, शेयर आइकन पे क्लिक करके करंट फ्रेम एच पी जी में एक्सपोर्ट कर लेना है। सो गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार से, ओके। एंड फिर इस फोटो को डिलीट करना है एंड प्लस पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक करना है, नेक्स्ट फोटो को ऐड करना है एंड फिर से फिल कंपोजिशन एरिया करना है और फोटो को अच्छे से एडजस्ट करके ऊपर शेयर का आइकन पर क्लिक करना है, करंट फ्रेम एच पी जी में एक्सपोर्ट कर लेना है। सो गाइस, इसी प्रकार से आपको टोटल जो है ना, कितना 6 फोटो को क्रॉप, सॉरी गाइस 5 फोटो को क्रॉप करके सेव कर लेना है, ओके। तो मेरे हिसाब से 5 फोटो ही लगेगा, तो आपको 5 फोटो को क्रॉप करके सेव कर लेना है। तो मैंने 3 फोटो को क्रॉप कर लिया और 2 फोटो को जल्दी यहाँ पे क्रॉप कर लेता हूँ। तो गाइस, मैंने जो 5 फोटो को क्रॉप कर लिया है, अब जैसे 5 फोटो को क्रॉप कर लेते हैं, अब यहाँ से आपको बैक आना है और बिटमार्क प्रोजेक्ट को ओपन करना है। सो जैसे आप बिटमार्क प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे, यहाँ पे इधर कुछ नहीं करना है आपको, सबसे पहले शुरू में आ जाना है और नीचे आ जाना है। तो नीचे में एक लेयर है जिसमें लिखा हुआ है 80, तो ये सॉन्ग है। उसके ऊपर जो लिखा हुआ है प्रोजेक्ट बाय एसिपटेक, उस वाले लेयर पे क्लिक करना है। ये इमेज वाला लेयर है, आपको इस पर क्लिक करके कलर एंड फिल वाले आइकन पे क्लिक करना है और इस टेक्स्ट पे क्लिक करके आपको यहाँ पे अपनी फोल्डर को सिलेक्ट करना है। तो जो भी फोल्डर में आपका फोटो है, अपनी फोल्डर को आपको सिलेक्ट कर लेना है और ध्यान देना आपने जो फोटो को क्रॉप किया है उसी फोल्डर को सिलेक्ट करना, ओके। तो यहाँ पर आपको अपने पहले फोटो को सिलेक्ट करना है, ऊपर प्लस पर क्लिक कर देना है। इस प्रकार से आपका फोटो ऐड हो जाएगा, इसमें कोई भी इस प्रकार से नॉर्मल इफेक्ट है तो इस प्रकार से आप बस इतना ऐड कर लेना। अब सिलेक्ट करके आपको आगे आना है और आगे आने के बाद यहाँ पे आपको आ जाना है, जो कि है 15.15 सेकंड पे, जो ग्रुप आपको दिख रहा है ना, इस ग्रुप पे क्लिक करना है, एडिट ग्रुप पर क्लिक करना है। तो इसके अंदर कुछ लेयर्स आपको दिख जाएंगे, आपको करना क्या है, देखो दो प्रोसेस है यहाँ पर फोटो एड करने का। तो पहले मैं आपको सबसे पहले ये बता देता हूँ, यहाँ पर जितना भी लेयर्स है इस ग्रुप के अंदर, इन सभी लेयर्स में कोई एक ही फोटो यूज होगा। आप जो भी फोटो को यूज करोगे, सभी लेयर में एक ही फोटो को यूज करोगे। तो यहाँ पे दो तरीका है फोटो एडिट करने का, तो मैं आपको दोनों तरीका बताता हूँ। आई होप कि आपको एक ना एक तरीका समझ में आ ही जाएगा। तो पहला तरीका ये है कि आपको लेयर पे क्लिक करना है, कलर एंड फिल पे क्लिक करके टैक्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे अपनी फोटो को सिलेक्ट करना है। तो आपने जो बाहर में फोटो एडिट किया था उस फोटो को छोड़ देना, बिकॉज वो फोटो वहाँ पे यूज हो चुका है, उसको हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। हम किसी नेक्स्ट फोटो को सिलेक्ट करके ऊपर प्लस पे क्लिक कर देंगे। तो आपने जो भी फोटो को पहला लेयर में एड किया, वही फोटो को आप नेक्स्ट लेयर में भी एड करना। लेयर पर क्लिक करके कलर एंड फिल पर क्लिक करना, इस टैक्स पर क्लिक करके यहाँ पर अपनी फोटो को सिलेक्ट करना, ऊपर प्लस पर क्लिक कर देना है। सो इसी प्रकार से फिर नेक्स्ट लेयर पर क्लिक करना है, कलर एंड फिल पर क्लिक करके यहाँ पर टैक्स पर क्लिक करना है, अपनी फोटो को सिलेक्ट करके ऊपर प्लस पर क्लिक कर देना है। सो गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ये प्रोसेस है जो हमारा पहला प्रोसेस है। तो इसी प्रकार से आपको यहाँ पे अपनी सही फोटोज़ को ऐड कर लेना है, ओके। तो गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो और यहाँ पे 2-3 लेयर बच गया है, तो मैं इनमें भी जल्दी जल्दी ऐड कर लेता हूँ इस प्रोसेस से, फिर मैं आपको नेक्स्ट प्रोसेस बताऊँगा नेक्स्ट प्रोसेस क्या है। तो मैंने आपको बोल दिया है कि एक ग्रुप के अंदर जितना भी लेयर था, चाहे जितना भी लेयर हो, आपको सभी लेयर्स में एक ही फोटो को यूज करना है, आपको दूसरा फोटो यूज नहीं करना है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैंने सभी लेयर्स में एक ही फोटो लगाया है, ओके। तो आपको फोटो इसी प्रकार से लगाना है, लेयर पे क्लिक करके कलर एंड फिल पे क्लिक करना है, टैक्स पे क्लिक करके फोटो को सिलेक्ट करना है, ऊपर प्लस पे क्लिक कर देना है। सो गाइस, ये जो था हमारा पहला प्रोसेस था फोटो एडिट करने का, तो ये मेरे हिसाब से इसमें थोड़ा सा आपको टाइम लग जाएगा। तो अगर दूसरा प्रोसेस आप जान लेते हैं, तो यहाँ से देखो इस ग्रुप में तो हमने फोटो एडिट कर लिया, अब हम दूसरे ग्रुप में आते हैं। तो मैं समझाने के लिए मैं दूसरा ग्रुप में आ जाता हूँ। तो आपको दूसरा ग्रुप पर क्लिक करना है, एडिट ग्रुप पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखो दूसरा जो प्रोसेस है फोटो एडिट करने का, उसके लिए आपको करना होगा प्लस पे क्लिक, यहाँ पे नीचे जो प्लस वाला आइकन है ग्रीन कलर का, इस पर क्लिक करना है और मीडिया पे क्लिक करके जो आपका क्रॉपेड फोटो है उसको सिलेक्ट करना है। तो इस फोटो को मैंने यूज किया है, तो मैं इस फोटो को ऐड करूँगा किसी डिफरेंट फोटो को। अब यहाँ पे जैसे फोटो ऐड करोगे, अब फोटो वाले लेयर पे क्लिक करना है और यहाँ पे डब्बे वाले आइकन पे क्लिक करके कॉपी लेयर कर लेना है, फिर इस फोटो को सिलेक्ट करके डिलीट कर देना है जिस फोटो को आपने ऐड किया है, ओके। फिर आपको इस डब्बे वाले आइकन पर क्लिक करके सिलेक्ट अल लेयर करना है और फिर से इस डब्बे वाले आइकन पर क्लिक करना है
पेस्ट स्टाइल के साइड में जो छोटा सा आइकन दिख रहा है, इस पर क्लिक करके आपको यहाँ पे ना सभी को अनटिक करना है, यानी कि पहले से ग्रीन सब ग्रीन रहेगा सबके सब, आपको इस पर टैप कर करके सभी को वाइट कर देना है। और ये जो कलर वाला आइकन दिखाई दे रहा है आपको, इसको बस ऐसे ग्रीन छोड़ देना है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, एंड पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इतना भी लेयर्स था, सभी में ऑटोमेटिक हमारा फोटो लग गया, जो फोटो मैंने एडिट किया था, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। ओके, तो इसी प्रकार से आपको करना है। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसी प्रकार से। ओके, तो ये प्रोसेस मैंने आपको बताया, इसलिए इसमें थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि ज़्यादा टाइम लगेगा, बट पहला प्रोसेस से अच्छा है ये प्रोसेस, क्योंकि इसमें आप थोड़ा जल्दी फोटो को एडिट कर पाते हो। यहाँ पे जितना भी लेयर्स हो ये फोटो आप जल्दी एडिट कर पाओगे, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे मैं दूसरा ग्रुप तीसरा ग्रुप में जाता हूँ, यहाँ पे इस ग्रुप पे आने के बाद एडिट ग्रुप पे क्लिक करता हूँ। सो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे आपको क्या करना है, प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है, मीडिया वाले आइकन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। अब आपको करना क्या है, फिर से अपना नेक्स्ट फोटो को सिलेक्ट करना है और इस डबल आइकन पे क्लिक करना है, कॉपी लेयर करना है, और यहाँ पे डिलीट करना है फोटो को, इस डबल आइकन पे क्लिक करके सिलेक्ट अर्लियर करना है, वही सेम प्रोसेस है। ओके, फिर से डबल आइकन पे क्लिक करके पेस्ट स्टाइल के साइड में जो एरो, इस पे क्लिक करके इन सभी को अनटिक करना है, कलर को टिक रख के आपको पेस्ट कर देना है। तो कितना फास्ट प्रोसेस है। ओके, तो इस प्रोसेस से फोटो एड करोगे तो आप काफ़ी जल्दी जल्दी फोटो एड कर पाओगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कितना सारा लेयर्स है, इन सभी में फोटो एड करना है, तो अगर आप वन वन करके एड करोगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो सिंपल प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करके फोटो एड करना है, तो फोटो आपका क्रोपेड होना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखना। अब फोटो को सिलेक्ट करके डबल आइकन पे क्लिक करके कॉपी लेयर करना है, फोटो को डिलीट करना है, एंड यहाँ पे सिलेक्ट अलेयर करना है, इस वाले आइकन पे क्लिक करके फिर इस वाले आइकन पे क्लिक करना है, और स्टाइल पेस्ट स्टाइल के साइड में जो आइकन है इस पर क्लिक करके इन सभी को अनटिक करना है और कलर को टिक रखना है, पेस्ट कर देना है। यहाँ पे आप लोग देखते हो कितना फास्ट है। ओके, सो फिर यहाँ से आपको बैक आना है। तो यहाँ पे आप लोग देखते हो मैंने सभी ग्रुप में फोटो एडिट कर लिया, आप जैसे इतना कर लेंगे, यहाँ से आपको बैक आना है और सेकंड फिर प्रीसेट को ओपन करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर से इंपोर्ट कर लेना, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ बीट मार इंपोर्ट कर लो सर्टिफाइड छोड़ दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो उसके लिए आपको करना होगा, अब यहाँ पे जैसे सर्टिफाइड प्रीसेट को ओपन करेंगे, आपको इस वाले आइकन पे क्लिक करके सिलेक्ट अल लेयर करना है, नीचे आना है और इमेज वाला जो सबसे नीचे में इमेज वाला लेयर, इस पर क्लिक करके यहाँ पे इसको अनटिक कर देना है, एंड इस वाले आइकन पे क्लिक करके डबल आइकन पे क्लिक करके कॉपी 10 लेयर यानी कि कॉपी 10 लेयर कर देना है। फिर यहाँ से बैक आना है, बीट मार प्रोजेक्ट को ओपन करना है, और आपको शुरू में ही इस डबल आइकन पे क्लिक करके पेस्ट 10 लेयर यानी कि पेस्ट 10 लेयर कर देना है। तो यहाँ पे आप लोग देखते हो इसमें जैसे हमने यहाँ पे मतलब पेस्ट मतलब जो हमने लेयर से पेस्ट किया है, इसमें ब्लर वाला इफेक्ट भी लग गया है और काफ़ी ज़्यादा इमेजिंग लग रहा है। तो गैस आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, इधर आ जाना है नीचे। ओके, तो नीचे में जो आपको ये बिगिनर वाला लेयर दिख रहा है, बिगिनर वाला यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, इस पर क्लिक करना है, ऊपर थ्री डॉट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया कर देना है, बस इतना आपको कर देना है, बस उसके बाद कुछ भी नहीं करना है। शेयर वाला आइकन पे क्लिक करना है ऊपर, एंड यहाँ पे अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। सो गैस बस आज के लिए इतना ही, आई होप कि वीडियो अच्छी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना। सो गैस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखना।